आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशी मठ की भूमि लगातार धंस रही है। ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में भी दरारें आ गई हैं। अब तक यहां कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने असुरक्षित भवनों को गिराने की कवायद भी शुरू कर दी है, लेकिन जोशीमठ में तेजी से बढ़ रही दरारों ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल जोशीमठ भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील है। इलाका जोन 5 में पड़ता है, जो भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील है, और यही वैज्ञानिकों की असली चिंता का कारण है। दूसरी चिंता जोशीमठ में उभर रही अनगिनत दरारें हैं। जनवरी और फरवरी में वैज्ञानिक बारिश की आशंका जता रहे हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के डायरेक्टर कालाचांद साई का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो इन दरारों में पानी के इकट्ठा होने से भूधसाव और तेजी से बढ़ सकता है। इस पर अगर इस क्षेत्र में अगर हल्का सा भी भूकंप का झटका आया तो भूधसाव के साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वाडिया के वैज्ञानिकों की एक टीम को इसके लिए जोशीमठ में तैनात कर दिया गया है। ये टीमें 3 पहलुओं से जोशीमठ की जांच करेगी और वहां से डेटा इकट्ठा करेगी। वाडिया के वैज्ञानिक जोशीमठ की जियोफिजिकल स्टडी करेंगे और जो दरारें हैं उनकी गहराई का आंकलन किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि ये दरारें सतही हैं या फिर जमीन के अंदर तक चली गई हैं। जोशीमठ में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाकर पूरे एरिया को भूकंपीय दृष्टि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। इससे जोशीमठ के संवेदनशील एरिया को चिन्हित किया जा सकेगा। वेब सेंसर लगाकर सरफेस डिस्प्लेसमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। यदि जमीन खिसक रही है तो किस रफ्तार से खिसक रही है, उसका डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। फिलहाल जोशीमठ और यहाँ रह रहे लोगों को बचाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट भी अलग अलग चीजों पर रिसर्च पर जुट गए हैं।